प्रणाम, जय जय हो किशोरी जी। आबि गेलहुँ फेरसँ पढ़ुआ कऽ कहके चौकी परसँ चौकी बाजी करऽ। आइ पढ़ुआ कऽ कहके अन्तर्जालक चौकी परके चौकी बाजी श्रृंखलाके आइ दशम प्रस्तुति अछि। दिसम्बरके 31 तारीख सन 1920 के अंतिम दिन बृहस्पति दिन पूस मासक 16 गते हम रिकॉर्डिंग कऽ रहल छी। अहाँ सबके तऽ नया सालमे, अंग्रेजी नया सालमे शायद सुनला भेटत। ओना आब अंग्रेजी साल एकरा नहि कहै छै, एकरा आब सीई पहिने कहै छलै जे क्रिश्चियन एरा, लेकिन आब कहै छै जे नहि, ई साल तऽ खाली क्रिश्चियनेके नहि छै, ई तऽ हिंदुओके छै, मुसलमानोके छै, बुद्ध धर्म मानयवला सबके सेहो छै, आ जे कोनो धर्म नहि मानै छै तकरो छै। तऽ एकरा आब सीईके अर्थ आबय लगलै जे कॉमन एरा, सबके साल छै ई, दुनिया भरिके लोकके। तऽ अहूँके साल अइ, हमरो साल अइ, ई साल गुजरल, नया साल एहि सालसँ नीक होइ, से सब गोटेके बहुत बहुत शुभकामना अइ। आ काठमाण्डूमे तऽ बड्ड जाड़ छै, आइ सवेरमे तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस छलैए। ओना हम जतऽ छी ततऽ किछु बेसी 1-2 के आसपास छलैए, लेकिन सरकारी सूचना अनुसार काठमाण्डूके न्यूनतम तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस, ओकरा फ्रीजिंग पॉइंट कहै छै, जे ओसो जे गिरतै, शीत जे गिरतै तऽ जमि जेतै। पहिने पहिने हम काठमाण्डूमे आयल रही तऽ हमरा लागे जे ई बर्फ पड़ि रहल छै, लेकिन ओ बर्फ पड़नाइ नहि छै, ओ एक हिसाबसँ ओ पड़िते जे जमि जाइ छै से होइ छै। तऽ तेहन ठंडा आयल, लेकिन गप भेल छलै गाम दिस, सुनै छी ओमहर तऽ रौद उगि रहल अइ, आ जखने रौद उगै छै तऽ जेना सूर्य भगवान शक्ति दऽ देथिन सबके, विटामिन डीए के बात नहि होइ छै कि ओहिके संगे संगे किछु देहमे से ऊर्जा चलि अबै छै। जमीन गरम भेल, हवा गरम भेल, तऽ सबके महसूस होबय लगै छै जे हँ, आब जे छै से कनी ठीक हेतै, तेना होबय लगै छै। हम घड़ी देखलहुँ, हमरा समय पर ध्यान देबय पड़ै, आधा घंटामे घंटी बाजय लगै छै, तऽ हमरा तऽ बेसी बाजयके आदत अइ। सबसे पहिने आब की करी, तऽ सन 2020 के समीक्षा करी जे ई साल केहन रहल, समीक्षा करबै तहन ने किछु पाठ सिखबै, फेर अगिला साल लए योजना बनेबै। जिंदगी तऽ अहिना चलै छै ने, तऽ सबसे पहिने अपने से समीक्षा शुरू करी। हम ई चौकीबाजी श्रृंखला शुरू कैली तऽ विचार आयल रहे बंदाबंदी लॉकडाउन लागले रहे तखने, लेकिन मुदा अखनो कनी मनी तऽ बाकी अइ, कंठमे हमरा कनी कहियो काल समस्या भऽ जाइए, तऽ ओ समस्या रहे तऽ 10वीं से शुरू कयलहुँ, किछु देर भऽ गेल, मुदा देर आयत दुरुस्त आयत जे कहै छै, तैयारी किछु करयके मौका भेटल, सोचयके मौका भेटल जे बात की करी, तऽ चौकीबाजी तऽ करी तऽ बात की करी। तऽ 2 अंकमे प्रवेश, दशम, 10 हप्तासँ नियमित प्रत्येक हप्ता बृहस्पतिके हम रिकॉर्डिंग करै छी। आ एहिठामके इंटरनेटके बात तऽ जनबे करै छियै, तऽ स्लो रहै छै, भरि राति लगभग लागि जाइ छै लोड होबयमे, तऽ अहाँ सबके प्रात भिने देखल आ सुनल भेटैए। तऽ कोनो खास उद्देश्य लऽ कऽ ई चौकीबाजी शुरू कयने रही से बात नहि रहै, अंग्रेजीमे शूटिंग द ब्रिज कहै छै, हवाके मुँहसँ फूँकि कऽ उड़नाइ, तऽ ई हवाके उड़बयवला काज, अहिना गपसप अपन लोकसभ अपन भाषामे करी, कोनो कार्यसूची नहि। कहै छै ने जे जहिना मायके दूधके भार होइ छै, तहिना मातृभाषाके माटि पानिके भार होइ छै, आ जहिना माय नहि कहै छै बेटा बेटीके, धियापुताके जे हमरा लग तो ई कर, माय निस्वार्थ भावसँ धियापुताके लेल जहिना करै छै, तहिना मातृभाषा जे छै से अपन धियापुतासँ कोनो अपेक्षा नहि रखै छै, ई माटि पानिके भार छै, अपने जेना बुझाइए तहिना करू। तऽ मानू तऽ छै आ नहि मानू तऽ नहि छै। हमरा एहि दुआरे लागल जे हमर घरमे धियापुता सबसँ तऽ हमसब मैथिलिएमे सबदिन बात केलियै, लेकिन समयके, परिस्थितिके प्रभाव तऽ पड़ै छै, ओकरा सबके दैनिक जीवनमे
बाहर रही तो कोनो बाते नहीं, घरों में रही तो में लगभग हमरा अंदाज सा अंदाजे कह जा सके छे, हिसाब जोड़ के तो नहीं देखने छे गणित कैलकुलेटर लगा, लेकिन हमरा अंदाज सा दू तिहाई लगभग अखनो मैथिलिए में गप हो, लेकिन एक तिहाई में 20% जते अंग्रेजी आ 12-13% जते नेपाली तो भ जाए छे, तो से जे कहबै जे ई शुद्धता के बात करब हमरा सबके ककरो मैथिली में नहीं है, लेकिन शुद्धता के जहाँ तक बात छै, मानक के बात छै, से लिखित भाषा छै, साक्षर के भाषा छै, जे बाजब में होइ छै से संप्रेषण भ गेल, माया जीवित रहे तो लगभग घर में सब गोटे बुझू न जल 100% जका मैथिलिए बाजे छली, किया तो अंग्रेजी बजने तो नहीं होते ने ओहिठाम, कनी मनी ओना बात बुझे छले माया अंग्रेजियो के दू चारिटा शब्द, लेकिन हम ही सब धियोपुता सब सब गोटे हमरो बेटा बेटी सब सब गोटे मैथिलिए बाजे छलिए, माय के गेला के बाद से हम सब छी तो कनी मनी अंग्रेजी हम सब सहि लै छिए, नेपालियो सहि लै छिए, तो तेहन मिलल जुलल भाषा भ गेलै, तो हरेक भाषा में बातचीत के भाषा लिखल भाषा अलग होइ छै। हमर प्रस्तुति जे रहलै कतेक साथी सब जे हे यौ अहूँ ई कोन मैथिली बाजै छियै कहवला सब एक दू गोटे हमरा भेटला, तो हुनका हम विनम्र ओहि प्रवृत्ति के लोक के हमर विनम्र अनुरोध जे हम घर में बजे छी से भाषा बाजि रहल छी, लिखा वाला भाषा किछ और होइ छै, आ ओहि में हमरा ओतेक अखनो हम विद्यार्थिये छी, कह परत सीखते छी, सिखाबऽ में कहियो काल राम रिजन जी लागल रहै छथि, धीरेन्द्र प्रेमर्षि लागल रहै छथि, लेकिन सीखते छी। बीते कला के बाद एहि साल के किछ समीक्षा करी, विश्व परिदृश्य के बात जहन करबै तो इस साल के सन 2020 के कोविड खा गेल, कोरोना कोरोना जे कहलिए नहि, भारत के एकटा महाराष्ट्र के कोनो मंत्री साथ महाराष्ट्र के कोनो मंत्री गो कोरोना गो गीत गाबि गाबि के कतबो गीत गेलखिन, लेकिन गीत गाय वाला सजाय वाला तो नहीं चले, भारते में केओ गोबर में नहाय वाला तो केओ गौमूत्र के पान करे वाला, लेकिन ई सब से किछ भेल ही नहीं। इस साल पूरा लगभग संसारे भर के कोविड खा गेल, चीन से तो ना सन 2019 के अंत में शुरू भ गेल रहे, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहि देने रहे जे आब इपिडेमिक कहे छै, जे महारोगे नहीं रहल, ई पैंडेमिक भ गेल, महाव्याधि भ गेल जे संसार में फैलल छै, आ एकर कोनो दवाई नहीं छै, एकर कोनो टीका नहीं छै, सावधानी बाहेक और कोनो उपाय नहीं छै, से लगभग सन 2020 के शुरुए में आबि गेल रहे, आ तहिए से तो सब गोटे भोगिए रहल छी, कत केना जा रहल छै से देखिए रहल छियै, चीन से फैलल रहे यूरोप में, खास कर के इटली में बहुत मृत्यु भेलै, अग्रज सब बूढ़ पुरान के किछ बेसी, अमेरिका में संसार में सबसे बेसी फैलल अमेरिका में, दोसर में दोसर स्थान भारत के अबै छै, तो जे जे देश में किछ सावधानी हटी या दुर्घटना घटी जे कहै छै, जे सावधानी जतऽ जतऽ कम भेलै ततऽ किछ बेसी फैललै, जे सावधान रहल ओतऽ किछ कम रहलै। दक्षिण एशिया के बात करब तऽ बंदाबंदिये में बीत गेल साल, घरबंदी में बीत गेल, गोबर गोमूत्र से किछो नहि भेल, भारत में तो एकरा धार्मिक उन्माद उठाब के जे प्रयत्न भेलै, बड़ा घृणित कर्म जे तबलीगी जमात फैलबैये कहिके, फैलाबे वाला भाजपाई जमात ओतय गुजरात में ट्रंप के बजा के ओतेक बड़का कार्यक्रम केनाइ, मध्य प्रदेश में सरकार गिरनाई, अयोध्या के मंदिर के शिलान्यास, बिहार के चुनाव, फैलाव में सब ठम आगा रहले हिंदूवादी जमात, आ दोष लगायल गेले भाजपाई जमात के बदला में तबलीगी जमात पर, तो ई मोदी गर्दी के चलते 8 बजे बिना कोनो पूर्व सूचना के कह दलखिन घरबंदी,
हजारों किलोमीटर लोग के साइकिल चलाबा पड़ल, कतेक लोग रस्ते में ट्रेन से कटि के मर गए पैदल जाए काल में, कोनो व्यवस्था नहीं। एतेक बेसी भारत के अव्यवस्था शायद भारत के इतिहास में, भारत के विभाजन के बाद कहियो नहीं भेल छलै, ततेक अव्यवस्था भारत में रहल। श्रीलंका किछु सावधान रहल, बांग्लादेश सेहो किछु सावधान रहल, पाकिस्तानो संदेश किछु सावधान रहल, आ कोनो कोनो बात पर ओना नेपालो में जहिना भारत में मोदी गर्दी तहिना नेपाल में ओली गर्दी, संसार के सबसे कड़ा बंदाबंदी, सबसे लंबा बंदाबंदी, जनता सब सबसे नीक से बंदाबंदी के मान वाला नेपाल के होइतो में ही ओली गर्दी के चलते नेपालो के लेल जे बीतल साल भेल से बुझू जे कहुना बीत गेल। जाइत जाइत देखियो साल के जाइत जाइत प्रधानमंत्री ओली जी की कह देलखिन हँ, जे अपन घर में केओ अपने आग लगबै छै कहियो तऽ ओही संसद के सांसद भेला से एक समय में दू तिहाई बहुमत, अखनो आरामदायी बहुमत के साथ सहयोगी एकटा प्रतिपक्षी दल के होइतो में सरकार के आराम से संसद के भंग कऽ देने छथिन, आ एकटा राजनीतिक दुर्घटना के बाद अगला साल केहन हेतै से अनिश्चितता के से आनि देलखिन। देखियो मिथिला के गेल साल के बात करब तो किछु तो खुशी के खबर है, ओहि पार खास क के दरभंगा में विमानस्थल बनल चल लागल सुनै छियै, आ तो सुनै छियै सीतामढ़ी के विमानस्थल सेहो चलत। एहि पार के छोटे नीक जका तेहन खुशियाली मनाबा वाला राजविराज में के विमान सेवा स्थगित, जनकपुर के रेल अहुबेर नहिए चलल, एलै एलै कहिते कहिते चलल नहिए। किछु चिंता आ आत्म मंथन के बात करी अगला साल के सोच से पहिने, जे अभक्ष जीव जंतु के भोजन जे छै से सारा संसार के लेल समस्या आनि रहल छै। देखियौ कते किस्म के रोग सब, महाव्याधि सब जे आबै छै से कथी लेल आबै छै, जे अभक्ष जीव जंतु के हत्या क के, चीन में कहादन कहावत छलै जे गुड़कैत होय आ उड़ैत होय से सब खा सकै छिए, तब ई गुड़कैत में मोटर आ ट्रेन बाहेक आ उड़ैत में हवाई जहाज बाहेक सब खा सकै छिए, तो ओहि के चलते वेट मार्केट से कते किस्म के रोग आब लगलै, तो एहि के बारे में किछु सोचब सोचनाई जरूरी छै संसार के। हम शाकाहारी छी तो सब गोटे शाकाहारी बन जाओ से हम नहीं कहब, जे चलि आयल छै मानव जाति सब शाकाहारिये होइ से जरूरी नहीं छै, लेकिन भक्ष अभक्ष छुटियाल तो हजारों वर्ष के इतिहास भ गेल छै ने, आब तो हजारों वर्ष से सब मूर्खे छले से बात तो नहीं छै ने, किछु ज्ञान तो परंपरा से लेबऽ पड़े छै, जेना की खेला से बिख लगै छै से तो वैज्ञानिक के प्रयोगे से होबो वाला नहीं छै, कतबो वैज्ञानिक प्रयोग कर लेबै तो जे बिख छै से तो बिख छै, ओ तो परंपरा से आयल ज्ञान छै, तो ओहू ज्ञान सबके मानि के अभक्ष के छोड़ के से एकटा सोचनाइ जरूरी छै। पर्यावरण के चिंता ओहिना जरूरी छै, जे अहिना यदि तापक्रम बढ़त गेलै संसार के तो गरीब देश के की हाल हेतै, पानि के समस्या केना हेतै, हवा के विषाक्तता कत चल जतै, यदि समुद्र के सतह उठतै तो जे समुद्र के सतह से कनिके ऊपर छै मालदीव सन देश, बांग्लादेश सन देश, ओत के लोक के हालत की हेतै, तो ई पर्यावरण के सोच के समय आवश्यकता के नियंत्रण करके, देखियौ तो गाड़ी ताड़ी नहीं चललै, प्रदूषण वायु प्रदूषण कम भेलै, हवा साफ भेलै, तो ओहि के चलते काज तो चललै ने हो वर्ष, किछ दुख जरूर भेलै, लोक के कष्ट जरूर भेलै, तो काज तो चललै ने, तो
पूरा पूरा नहीं हटाव सकै छे, घटाव के उपाय तो कैल जा सकै छे ने, तहु पर चिंता भेनाय जरूरी छे। सामाजिकता के महत्व जे एक दोसर से दूर अपने से भ जाय छलिए, आब जब जबरदस्ती होब पड़ल, एकांत में रह पड़ल, एसगर रह पड़ल, घर में बंदी रह पड़ल, तब तो अनुभव भेल हेतै ने जे एक दोसर से जोड़ल रहनाय कतेक जरूरी छे। से तो से जोड़ के उपाय सब सामाजिकता के महत्व बुझी, खेती किसानी के महत्व बुझी। आखिर फैक्ट्री में अनाज नहीं बन सकै छै, फैक्ट्री में अनाज के सिर्फ प्रशोधन हो सकै छै। तो भारत में देखियो किसान आंदोलन छै, मोदी गर्दी के चलते बेचारा अइ ठंड में ओइ किसान सब पर पानी के फुहारा छोड़े छै, सड़क के खैन के दिल्ली आवास रोकै छै। आ मांग सब बहुत साधारण छै, कोनो तारा तोड़ के दियस तेहन कोनो मांग नहीं छै। खाली अतबे ने किसान कहि रहल छै जे हमरा बाजार भरोसे नहीं छोड़ दिय, हम अन्नदाता छी, तो हमरा बड़का सम्मान नहीं चाही, हमरा जे उचित अधिकार है, उचित मूल्य है, ओते के गारंटी करू, अतबे बात न कहि रहल छै। अतबे के लेल देखियौ त जे आम पार्टी कहे छे, अडानी अंबानी आ मोदी के सरकार कोन हालत बनेने छे, भारत के किया अन्नदाता के हालत एहि पार नेपालों में देखियो, काठमांडू में उख के किसान सब के एहि ठंडा में, काठमांडू के ठंडा में बेचारा एक गोटे के मृत्यु भ गेलै। भारत में आंदोलनरत किसान में तो 40 से ऊपर लगभग 50 किसान के मृत्यु भ गेलै। तो ई खेती पाती के आ खेती किसानी के महत्व के केना स्थापित कैल जा, अहू के बारे में व्यक्तिगत रूप में सामूहिक रूप में यदि चौकीबाजी अहू सब करैत होइ, बैठक बैसार कतौ होइत होइ, तो अइ विषय सब पर कनी ध्यान से विचार बन, विचार जहन बनतै तहन राजनीति पर दबाव जेतै, तो विचार बनेनाइ जरूरी छै। आ एकटा दोसर जे सोचय वाला बहुत गंभीर भक सोचय वाला जे बात है, से बेर मीडिया के बेईमानी बड़ा लागल। भारत में देखियौ ये तबलीगी जमात के बदनाम कर में मीडिया के कते गोदी मीडिया कहे छथिन रवीश कुमार जी NDTV के, गोदी मीडिया कौन हाल बना दलक। नेपालों में देखियौ त मधेश के समस्या के, किसान के समस्या के, कि उख के किसान के समस्या जहन मैतीघर मंडला में आबि के बैसते तखने मीडिया में आते, ओहिसे पहिने ओ समस्या नहीं रहै छै, साल भरि ओ समस्या नहीं रहै छै। जब केओ मरतै तखने मधेशी के अधिकार के बात हेतै, जहन ककरो बलात्कार भ के हत्या हेतै तखने ओ समाचार हेतै, ओकर अधिकार के बात, ओकर सुरक्षा के बात समाचार नहि हेतै। कहल गेल छै जे मीडिया वॉइस ऑफ द वॉइस लेल, तै लेल न कहल गेल छै जे लोकतंत्र के चारिम खम्भा छै, तऽ ई चारिम खम्भा जे कमजोर भ गेलै, एकरा केना मजबूत बनाबी, सेहो तहू के बारे में किछु मंथन, किछु विमर्श, किछु चौकीबाजी जरूरी है। आ धार्मिक द्वेष के बारे में सेहो विचार केनाइ, हमरा विचार में देर भेल जाय छै। आब जेना हिंदू कट्टरता कल्पना से बाहर के बात छले, इस्लाम नया धर्म छै, नया धर्म में किछु उग्रता होइ छै, कला तो दोसर धर्म से यदि धर्मांतर नहीं करते तो नया धर्म में के आते। तहि दुआरे तो क्रिश्चियन सबके बीच में आ मुसलमान सबके बीच में क्रुसेड्स कह के लड़ाइए भेल रहे। बाइबल की कहे छै जे तोरा केओ थप्पड़ मारतौ एक गाल पर तो दोसरा गाल आगू कह दही, लेकिन वह क्रिश्चियन सब की कल के एक हाथ में बाइबल है, एक हाथ में तलवार लक आ निकल गए आम हत्या कर। तो क्रिश्चियन सब के कट्टरता के एक चरण छल, उ चरण समाप्ति के क्रम में छे, तहिना इस्लामो में कट्टरता के एक चरण छल, समाप्ति के रास्ता पर लागल छे। हिंदुओं में एक कट्टरता के चरण रहे, जखन दक्षिण एशिया में बुद्ध धर्म बहुत आगा बढ़ लागल रहे, तो ओकरा अंत करय में खाली शंकराचार्य के भाषणे नहीं काज कयने छै, ओकरा अंत करय में ओकर किछु कट्टरताओं के भूमिका जरूर रहे। तहिना वैष्णव सबके बीच में, शैव सबके बीच में,
कट्टरता के किछ भूमिका रहल रहे। वीर साहब कह के कर्नाटक के संप्रदाय ओय में किछ उग्रता रहल रहे, तो उग्रता सब कनी मनी रहल रहे, लेकिन चरण गुजर गेल रहे। तैके बाद हिंदू धर्म में कट्टरता उग्रता नहीं छले, आब आब के से सुनाय लगल। अई पार खास कके हमर बाबूजी सुनब थीन जे सुरसंड के महाराज हुनकर लाल पगड़िया सिपाही रहे छले, तो कनिको कोनो बहन्ना भेटल नहीं तो मुसलमान सब के मारि पीट के से भगावे के करे छलखिन। तो हमरे सब के गांव में सुगा में यहाँ देखबे मुसरपट्टी में मुसलमान सब छे, वही लेल छे जे वही पार से जे भगबे तो लाठी लक सुगा के मुसरपट्टी के पतैली के परसा के लोग ठार भ जाए, जे ओहिना तो पीट के भगे भी। तो अ पार ओकरा सब के आराम से हिंदू राष्ट्र होइतो में हिंदू राष्ट्रों में हिंदू धर्म के उदारता जे रहल छलै, अइ उदारता के भारत में मोदी गर्दी के प्रभाव नेपालों में जे देखाए लगल, ओहू बात पर से कनी विचार जरूरी चिंता से जरूरी है। अब आब वाला साल के लेल की करी, त किछ पहिने कते नकारात्मक के बात करब किछ सकारात्मक बात करी। कोविड से सावधानी तो बनौनी रहू, बेर बेर कहे छी हाथ धोऊ, सैनिटाइजर लगाओ, नाक मुँह झाँपने रहू। जाड़ महीना में ओते दिक्कतो नहीं होइ छै, पहिने तो होइ छलै जे कनी गुमसल जका लगैए, जाड़ महीना में तो ठीके रहे छै। लेकिन उत्साहजनक खबर छै जे कम से कम 5 टीका फाइजर के एकटा, मॉडर्ना के, ऑक्सफोर्ड के, चीनिया सब के एकटा, स्पुतनिक रूस के एकटा, कम से कम 5 से प्रयोग में आ किछ हद तक साबित भेल, बहुतो लोग लो रहल छथि। अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित, राष्ट्रपति निर्वाचित, उपराष्ट्रपति सब गोटे उ टीका वैक्सीन लगबोलखिन हँ। आ हमरो पहचान वाला किछ लोग डॉक्टर सब जे अमेरिका में या इंग्लैंड में जे सब लेले था कहे छथिन जे नहीं एकरा से डराए वाला बात नहीं छै, कोनो तेहन असर नहीं होइ छै, तत्काल कोनो नकारात्मक असर नहीं होइ छै, फायदा वाला चीज छै। तो टीका के प्रतीक्षा, अब नेपाल में तो ओली गर्दी है इसके चलते अब कहिया आबैए, लेकिन संभावना छै जे मार्च महीना तक 3-4 महीना के बाद धर से कम जे फ्रंट लाइन जे कहे छै आगा रह वाला सब डॉक्टर नर्स तैके बाद किछ वृद्ध वृद्धा तिनका सबके पहुँच में 30% जनसंख्या के पहुँच जतेक से टीका के उपलब्धि शायद नेपालों में भ जाए से अपेक्षा छै। ओना नेपाल सरकार के हेताल रहत त कह नहीं सकै छियै, लेकिन एकटा खुशी के बात है। दोसर जे एकटा उत्साहजनक हमरा लागल अइ साल में ई कोविड में लॉकडाउन में कोविड बीमार सबके लेल डॉक्टर सब जे खटलखिन हँ, नर्स सब ओतेक चुनौती के बावजूद पीपी के अभाव छलै, मास्क के भरे 24 लगा कऽ, ई एकटा बड़ा उत्साहजनक लागल जे आखिर अंत में तो सरकारी अस्पताल काम लगे नहीं कतबो पैसा रह जेब में तैयो एहन समय में सरकारी के जे घृणा कर के चलन भगल छलै जे पैसा वाला छी तो नाफा क्षेत्र के अस्पताल में जाई से आप देखबे नहीं, इहो अस्पताल सब के सार्वजनिक अस्पताल सब के स्तरोन्नति कतेक जरूरी छै, प्रादेशिक अस्पताल के भूमिका जनकपुर अस्पताल के भेटल है ओकर स्तरोन्नति होब जा रहा है, ये खुशी के खबर है। और एक खुशी के खबर जे युवा सब में जे स्वैच्छिक सेवा के भावना देखल है, सानो पाइला वीरगंज में या जनकपुर में कतेक मुश्किल समय में कोविड के बीमार सब के खाना पहुँचनाए सेवा केनाए, कल्पना करियो तो सानो पाइला के में अग्रसरता कंचन झा युवा छथि, हुनकर अग्रसरता स्तुत्य छनि, ओहि किस्म के
हुनका देख कऽ आओरो हुनकर टीममे बहुत लोक सबके तऽ हमरा जयशाहके एकटा नाम जानै छी, बहुत लोक छथि हुनकर टीममे, हुनकर नाम हम एहि दुआरे लेलियनि हँ जे अग्रसरता हुनकर छै, तैँ हुनकर पूरा टीमके, आ ओहिसँ सीख कऽ आओरो बहुत युवा सब जे जगह जगह पर काज कयलथि हँ से स्तुत्य अइ। तहिना समाजके उत्पीड़ित वर्गके आवाज उठाबऽमे जनकपुरसँ बीपी शाह, TMDP काठमाण्डू आधारित ओहिके युवा सब जे काज कयलखिन हँ सेहो उत्साहजनक खबर अइ। काठमाण्डुएमे बबलू गुप्ता, हुनकर अंग्रेजीमे नाम छै हंड्रेड्स ग्रुप कहिकऽ, युवा सब जेकि बहुत कठिन समयमे लोकके खाय पियैके आफत भऽ गेल रहै, ओहि समयमे टोड़ी खेलमे जमा भऽ कऽ सबके भिनसर साँझ खाना खुएनाइ बहुत बड़का बात छलै, अखन आलोचना केनाइ बहुत आसान छै, लेकिन बहुत कठिन समयमे बहुत बड़का काज जे युवा सब केलकै से आस एकटा जनबै छै जे नहि समाजमे सामाजिकता समाप्त नहि भऽ गेल छै। भारतमे तहिना भले ही गोदी मीडिया मूलधारके मीडिया बेईमानी कयने होइ, लेकिन कतेको यूट्यूबके पत्रकार सब स्तुत्य काज कयलखिन हँ, जे श्रमिक सब जाइ छलखिन हँ हुनका बारेमे समाचार। आ भारतके तऽ कहनौ ने मोदी गर्दीके तऽ हद भऽ गेल छै, राजधानी एक्सप्रेस शुरू भेलै झारखण्डसँ जायवलामे किछु श्रमिक रिजर्वेशन करेने टिकट लेने आ ट्रेन पर चढ़लखिन तऽ टीटी उतारि देलकै जे ई ट्रेन तोरा सबके लेल नहि छौ, तऽ तेहन हालत भऽ गेल छै मोदी गर्दीके चलते भारतमे। तऽ से सब छै, लेकिन एहि सबके समाजमे जहन उजागर हेतै तऽ समाज जागरूक हेतै, सरकार पर दबाव बनतै, से काज जे नॉन कन्वेंशनल मीडिया कहै छै, अनौपचारिक मीडिया से भारतमे जे उदय भेलैए सेहो एकटा उत्साहजनक खबर अइ। तऽ उत्साहजनक खबर सब एकटा उत्साहजनक खबर जे धानके उपज बढ़ल, पहिने पहिने हमसब कहै छलियै जे आम फड़त तऽ धान नहि आ धान फड़त तऽ आम नहि, एहिबेर आमो किछु किछु आ धानो किछु किछु बेसी दुनू से रहल, भगवानके कृपा रहलै, पानि नीकसँ पड़लै, समयपर पानि पड़लै, ओना जाड़मे पानि नहि पड़लै, ताहि दुआरे आब रबी बाइल की हेतै से अखन नहि कही, समय छै, प्रार्थना करी, किशोरीजीके संसार छै, देखै छथिन तऽ जरूर मिथिला मैथिलके सङ्गे दुनिआके कल्याण करथिन। आ साल बीत रहल अइ तऽ किछु श्रद्धांजलि सब समाजक अग्रणी व्यक्तित्वमे शिक्षाविद डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार मल्लिक छलाह, हुनकर धियापुता सब अमेरिकामे छथिन, देहांत ओतै भेलनि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमे रहिकऽ शिक्षा सेवामे अद्वितीय योगदान रहल छनि हुनकर। आ ओहुना शिक्षण पेशा जे छै से अपने आपमे स्तुत्य छै, एकटा डॉक्टर भरि जिन्दगीमे कतेके जान बचा लेतै, एकटा इंजीनियर कते संरचना बना लेतै, लेकिन एकटा शिक्षाविद जे होइ छै से बुझू एकेटा पुस्ताके नहि, ओहिसँ आबयवला पुस्ता तकमे सभ्यता संस्कार सिखाबयके काज करै छै। तऽ जे गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो चिन्हाए जे कहै छै, ओ गुरु शिक्षक छै। ओना बाजारीकरणके चलते शिक्षण पेशामे किछु विकृति आबि गेलै, मुदा से होइतोमे शिक्षक सबके सम्मानमे समाजमे कोनो कमी नहि रहक चाही, चाहे ओ प्राथमिक शिक्षाके शिक्षक होइत चाहे विश्वविद्यालयके, हुनका सबके योगदानके बगैर न विज्ञानके प्रगति होयत, न ज्ञानके प्रगति होयत, न समाजके प्रगति होयत। बड़का बड़का साइंटिस्ट वैज्ञानिको आखिर शिक्षा लऽ कऽ, शिक्षकसँ शिक्षा लऽ कऽ वैज्ञानिक बनै छथिन। तहिना डॉक्टर डम्बर नारायण यादव, हुनको शुरूके समय तऽ हुनको शिक्षण पेशासँ शुरू भेल रहनि, बहुतो नाम सब होयत, हम प्रतिनिधि नाम लेलहुँ हँ। ताहिके बाद चिकित्सकमे हमर एकटा पड़ोसीके सम्बन्धी छलाह काठमाण्डूके मैथिल डॉक्टर सुनील झा, अपने चिकित्सक, अपने कोविडके चलते हुनका जाय पड़लनि, से एकटा श्रद्धांजलि।
सरकार के नालायकी के चलते भारत से रोजगारी से लौटे वीरेंद्र यादव के जे धनसा में भूख से मृत्यु भेल। तीनों तह के सरकार के असफलता, संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार आ भारतो सरकार के, किया जे मानवीयता में तो राष्ट्रीयता नहीं लगे न, केओ भूख से मर रहल छै आ ओकरा अखने देखियो न जे सीमाना बंद करे के कोनो तुक छै नेपाल भारत के, लेकिन सीमाना बंद ओकर दोष खाली नेपाल के तो नहीं दे सकै छियै ने, ओकर तो दुनू देश के बीच के अई किसिम के संबंध वाला के मैथिल के लेल तो अई पार ओई पार से दूटा देश नहीं छै ने, तो से श्रद्धांजलि नहीं कि ओसे पाठ सीख के प्रहरी के ज्यादती के चलते धनुषा के सबैला के जे मृत्यु भेलन शम्भू नाम रहे शायद हमरा ठीक से अखन नाम शम्भू सदा शायद श्रद्धांजलि आ ओकर अखनो तक ठीक से अनुसंधान नहीं भेले है। नारी के प्रति बढ़त जे अत्याचार है एकटा प्रतिनिधि घटना अंगिरा पासी के बलात्कार के बाद मृत्यु कहल गेल छै, लेकिन सब हिसाब से बुझाइ जे हत्या छलै है। तो ई शोकजनक समाचार सब श्रद्धांजलि सेहो देव के साल के अंत में आ सबके अनुरोध करब जे संयम बना के राखू, जीवन में संतुलन बना के राखू आ आस जोगा के राखू। बहुत मुश्किल समय सन 2020 के सब के लेल बहुत मुश्किल समय कटले है, कोशिश कहे छथिन अल्लाह ऊपर छथिन, परमात्मा ऊपर छथिन आ जानकी जी तो सबके संगे छथिन। हम ब्रह्मास्मि सत्वमसि कहे छे ने जे हमहू ब्रह्म छी अहू ब्रह्म छी, से कहे छे जे धार्मिक विद्वेष के कोन बात छे। आइ काल्हि के जे जानकी जी रहतथिन खेत में भेटल राजा जनक के, ओ मुसलमान के बेटी होब सकै छलखिन, ओ मैथिल ईसाई के बेटी होब सकै छलखिन, कोनो धर्म के होब सकै छलखिन, ओ त अनंत कृपा के स्रोत छथिन ने। तो ये धार्मिक द्वेष के भाव कहाँ से मिथिला सन के पवित्र भूमि में, मिथिला में कहीं धार्मिक द्वेष भेल है। एते कहत अपने से हमारे बात सुनलो, बहुत बहुत धन्यवाद, नव वर्षक शुभकामना, प्रणाम, जय जय हो किशोरी जी, सबके जय हो, धन्यवाद, पुनः पुनः धन्यवाद।